हेलो गाइस, वेलकम दी बैक दी वेलकम, स्वागत आपका एक माइनक्राफ्ट हाउस ट्यूटोरियल में। तो भाई ये ना पहला पार्ट तुम कह सकते हो हमारे हाउस ट्यूटोरियल का है। तो पहले तो मैं ना अपने कैसल का मुआयना कर देता हूँ। काफ़ी सुंदर बना है यार, मतलब मजा आ गया बनाने में, छोटा है और ऑसम है। तो गाइस ये ट्यूटोरियल होने वाला है हाउ टू मेक अ स्मॉल कैसल इन माइनक्राफ्ट। तो भाई मैं सारा कैसल जैसे भी है पूरा बना के दिखाऊंगा, मतलब तुम्हारे सामने बनेगा सारा कैसल। और भाई तुम बना सकते हो इसको फॉलो करके, मतलब स्टोन्स तुम अलग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर तुम इसको ब्रेक स्टोन या कॉबल स्टोन से बनाओगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट अपन लोगों ने जो बनाया भाई, तुम पूरा का पूरा नक्शा कॉपी कर सकते हो। तो ये देखते हो, ये थोड़ा सा इंटीरियर है भाई, इसकी फ्लोरिंग अपन लोगों ने थोड़ी सी रंग बिरंगी करके रखी है, काफ़ी अच्छा बनाया। तो थारा भाई पनिशर, मतलब थारा भाई पनिशर इतना सुंदर कैसल बना देगा, इतना सुंदर कैसल बना देगा कि किसी ने सोच ही ना होगी। तो ज़रा शुरू करते हैं, पहले अपन लोग जाकर लोकेशन देखेंगे लोकेशन कैसी है। तो यहाँ पे आ गई अपन लोग की लोकेशन, खाली जगह है, टोटल 15x15 की अपन लोग को जगह दी है। तो यहाँ पे थोड़ के ज़रा बना लेते हैं इसको। तो गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। भाई एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ हाउस ट्यूटोरियल का। तो वैसे ये जगह कट गई है, तो तुम देख सकते हो 15x15 की, दोनों साइड पे 15 का है, तो इतना ही काटो। तो गाइज अपन लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले अपने चैनल पे, क्योंकि हर हफ्ते में 3 हाउस ट्यूटोरियल्स आएंगे हमारे चैनल पे माइनक्राफ्ट के, तो ज़रूर आएंगे और काफ़ी धाकड़ वाले आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना ताकि तुमको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और तुम्हारा भाई स्ट्रीम भी करता है, थोड़े दिन हो गए स्ट्रीम कर नहीं रहे, बट हाँ स्ट्रीम भी करता है। तो यहाँ पे ब्लैक पॉलिश्ड स्टोन है ना, उससे अपन लोगों ने यहाँ का इसका पूरा एक आउटर बना लिया है। अब इससे हम पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन से भाई ऊपर से सारा जितना भी महल बनने वाला है पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन से बनने वाला है। तो यहाँ पे अपन लोग सारा लगा देंगे और यहाँ पे 5 जगह छोड़ेंगे, 3, 4, 5, 6 की जगह छूट गई, 1, 2, 3, 4 और 5। हाँ तो यहाँ पे इतनी जगह छूटेगी भाई, यहाँ पे पूरा एक वो गुबंद खड़ा होगा ना, तो इसका हो जाएगा। और यहाँ पे इधर वाली साइड पे एक लाइन खड़ी, तो दूसरी साइड पे भी लाइन खड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन खड़ी हो चुकी है, तो ऊपर से देख लेते हैं लाइन लग कैसी रही। रुको, तो ये हो गया भाई पूरा एक आउटर और एक गुबंद का एरिया। मतलब इतना तो पूरा कॉपी कर लेना, स्टोन्स जो मर्जी तुम यूज कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अपन लोग अब इसको ना इस स्टोन से सारा कवर कर देंगे पूरे का पूरा। तो जल्दी से कवर करो, अपन लोग आपको कवर करने के बाद मिलते हैं। रुको, अपन लोग इसको पूरा कवर करने के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा कवर हो चुका है, एक साइड पे खुला छोड़ा है जहाँ पे अपन लोग गेट बनाने वाले हैं, हमारे फेंसिंग गेट बनाने वाले हैं। और यहाँ पे इसको भी तोड़ के पॉलिश ब्लैक स्टोन है ना हमारे पास, नहीं पॉलिश ब्लैक स्टोन है या केला पॉलिश स्टोन है, हाँ पॉलिश ब्लैक स्टोन से अपन लोग इसका यहाँ पे आउटर कर देंगे भाई जल्द ही चेंज करके इसको, क्योंकि अपन लोग को ना अभी एक पूरा बॉर्डर बनाना है। लास्ट में जो इंटीरियर की ऑप्शंस आएगी वो तो अलग में चेंज करेंगे ना। तो यहाँ पे इतना बन चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। अब पॉलिश ब्लैक स्टोन ब्रिक्स है हमारे पास, जिससे अपन लोग यहाँ पे सारा ऊपर से इसको कवर कर देंगे। 7 ब्लॉक्स ऊपर खींचना है, 4, 5, 6, यहाँ पे हो गया कुछ 2 या 3 और लगेंगे, तो 7 भाई 7 तक ऊपर खींचो काफ़ी है। तो इतना अपन लोगों ने 7 ब्लॉक्स नीचे, टोटल 8 ब्लॉक्स हो गए पूरा नीचे का मिला के। तो 8 ब्लॉक्स यहाँ पे खींच लिए और 8 ही यहाँ पे खींच के भाई पूरी दीवार कवर कर दो, सिर्फ आगे गेट वाली जगह छोड़नी है, बाकी सारा कवर कर देना है। तो अपन लोग मिलते हैं आपको तुमको इसको कवर करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे अपन लोगों ने यहाँ पे सारा ही कवर कर दिया है, तुम जैसे कि देख सकते हो पूरा ही कवर हो गया। और यहाँ पे गेट की ऑप्शन बची है, सिर्फ 2 ब्लॉक्स जगह छोड़नी है, बाकी गेट भाई 2 ब्लॉक्स का ही होता है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स की जगह छोड़नी है, बाकी कवर। तो गाइस ऊपर से छत से लेकर नीचे तक सारा जो ये हमारा गुंबद वाला एरिया है वो कवर हो चुका है। और अब अपन लोग लेनी है पॉलिश ब्लैक स्टोन की स्टेयर, क्योंकि भाई ब्लैक स्टोन यूज कर रहे हैं तो स्टेयर भी ब्लैक स्टोन की यूज करेंगे। और इसको उल्टी वाली साइड पे लगाना शुरू करना है एक जगह छोड़ के। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जल्दी से इसको कवर करो, फिर तुमको मिलते हैं। जल्दी करो यार, अंधेरा हो रहा है, तुम भी जल्दी से कवर करो, जल्दी तुम्हारा महल बनेगा, मेरा तो बन ही चुका है। तो यहाँ पे अरे नहीं ये गलत हो गया ना, 1, 2, 3 हाँ ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये जल्दी से हमारा कवर हो चुका है, इतना सारा कवर हो गया। अब ब्लैक स्टोन जो ब्रिक्स है ना उसके इसके ऊपर सारी लगानी शुरू करो फेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे ब्लैक स्टोन ब्रिक्स ऊपर सारी लग चुकी है और हमारा एक गुबंद काफी सेक्सी तरीके से तैयार हो चुका है। तो गुबंद का काम अभी तक इतना ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग को सबसे ऊपर एक ट्रैप डोर लगाना है और लैंटर्न लगानी है, और कुछ नहीं लगाना। तो यहाँ पे इतना हो चुका है और यहाँ पे बस खत्म है। तो इतना होने के बाद गाइज इसको जितना भी है ना 3 ब्लॉक्स ऊपर, मतलब टोटल 4 ब्लॉक्स से इसको सारा कवर कर दिया जाए, मतलब पूरी एक फेंसिंग तैयार कर दो जितनी हो सकती है सारी, यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे सारा ही जितना भी अपन लोगों ने बनाया ना 15x15 का, इसको सारा ब्लैक स्टोन ब्रेक्स के साथ कवर कर दिया जाए। तो जल्दी से इसको कवर करो और कवर करने के बाद तुमको मिलते हैं यहाँ पे जल्दी। तो यहाँ पे हमारा तो कवर हो चुका है फुल, हाँ हो चुका है।
तो यहाँ पे गाइज हमने फेंसिंग पूरी कर दी है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे पूरी फेंसिंग हो चुकी है और लगने लग पड़ा है कि कैसल की तैयारी हो रही है, अपन लोग कैसल के मिस्त्री बने। तो गाइज इन फ्यूचर और भी बड़े बड़े हाउस और मॉडर्न हाउसेस वगैरह बनने वाले हैं, तो जरा तैयारी खींच के रखो यार। तो यहाँ पे गाइज तुम इसके बाद लगाओगे यहाँ पे हमारा स्प्रूस प्लैंक्स। तो गाइज यहाँ पे स्प्रूस प्लैंक्स लगा के सारा जितना भी है इसको कवर कर दिया जाए, सिर्फ आगे वाली जगह छोड़ेंगे, बाकी सारा कवर कर दो। तो मिलते हैं जल्दी से इसको कवर करने के बाद। तो गाइज यहाँ पे ना बिल्कुल सारा कवर करना है, उसके बाद मिलेंगे, मतलब रुको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे सारा कवर हो चुका है, बट इतना ही कवर करना है, जो ये वाली साइड है इसको कवर नहीं करना, मतलब तुम जल्दी जल्दी में अगर उसको भी कवर कर दो तो ऐसा नहीं करना। अरे नीचे घोड़ा भी है, तो गाइज इसको कवर नहीं करना है, जितना कवर्ड है बस इतना ही कवर्ड काफ़ी है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइन और लगा दी गई है, तो ये आई थिंक तोड़नी पड़ेगी, जल्दी तोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। तो गाइज अब इसके जो बाहर वाली साइड है ना, वहाँ पे उल्टी स्टेयर्स लगा दो, जैसे कि अपन लोगों ने गुंबद के ऊपर लगाई थी, जितनी एक एक जगह छोड़ के यहाँ पे स्टेयर्स सारी लगा दी जाए, नहीं उधर वाली साइड लगाएंगे। तो जल्दी से स्टेयर्स को कवर करो, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइज स्टेयर्स सारी लग चुकी है, मतलब अब सुंदर लग रहा है थोड़ा। ओहो आगे वाली साइड की स्टेयर्स रह गई, रुको आगे वाली साइड की स्टेयर्स भी जल्दी से लगाते हैं। तो यहाँ पे आगे वाली साइड का भी स्टेयर लग चुकी है, इतना काम तो अपन लोगों का हो गया कंप्लीट। भाई इतना कंप्लीट होने के बाद ना अभी काम शुरू है, क्योंकि अपन लोगों को इंटीरियर सारा बनाना है, ऊपर से फेंसिंग सारी करनी है, सारा कुछ करना है। तो गाइज जहां जहां पे अपन लोगों ने जगह छोड़ दी वहां पे फेंस लगाने, स्प्रूस जो हमारे फेंस हैं उनको लगाने शुरू करो एक एक जगह छोड़ के। भाई इसका काम क्या आएगा आपको बाद में पता लगेगा। तो यहाँ पे सारे फेंसिंग लग चुके हैं, अब भाई अंदर से जो अपन लोगों ने बनाया था ना वहां से एक एक तोड़ दो, मतलब जितना तुमको अच्छा लगे कि तोड़ना चाहिए उतना तोड़ दिया जाए। मेरे को लगा था कि ये थोड़ा जो अपन लोगों को लॉबी टाइप रखनी है थोड़ी ऊपर रखी जाए, तो अपन लोगों ने ज्यादा थोड़ा तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद यहाँ पे भाई जितने भी है ना, जितने भी आउटर बनाए, अरे ये तो ज्यादा टूट गया, जितने भी आउटर बनाए भाई वहाँ पे फेंस लगा दो। तो स्प्रूस प्लैंक से कवर किया सारा, और यहाँ से अब गाइज अब पूरे फेंस लगाने शुरू करो। तो गाइज यहाँ पे फेंस कवर हो चुके हैं, मतलब हो ही चुके हैं सारे। तो गाइज बिल्कुल ना एंट्रेंस के साइड से ऊपर वाले से दो तोड़ो, और यहाँ पे लगाई जाए लैडर। तो यहाँ पे जल्दी से लगाओ, एक दो तीन और चार, यहाँ पे लगे लैडर, इधर वाले साइड पे भी लैडर लग जाएंगे, कि भाई पुराने जमाने का कैसल हमारा मॉडर्न कैसल नहीं है, जल्दी से एक मॉडर्न कैसल की भी तैयारी अपन लोग जल्दी करेंगे। तो अपन लोग का ये कवर हो चुका है, और आई थिंक बाहर मॉन्स्टर है, अरे स्केलेटन घूम रहा है यार बाहर। तो अब गाइज जहाँ पे अपन लोगों ने फेंसिंग लगाई थी वहाँ पे एक लेयर फेंसिंग के ऊपर और लगा दी जाए, तो जल्दी से फेंसिंग की लेयर एक और ऊपर लगाओ, ताकि पूरा एक लगे कि जंगला बना हुआ है। तो और जहाँ पे अपन लोगों ने तोड़ा था वहाँ पे लगा दिया जाए स्प्रूस के ट्रैप डोर्स यहाँ पे, अरे इसको तोड़ दे, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे एक स्प्रूस के ट्रैप डोर्स अपन लोगों ने यहाँ पे पूरे लगा दिए, और ये हो गया हमारा कैसल कवर, काफ़ी अच्छा बन गया यार। तो इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे ना अपन लोग जो ब्रिक्स हैं, ब्लैक स्टोन ब्रिक्स हैं, पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन ब्रिक्स, तो इनको यहाँ पे जल्दी से ऊपर से सारा जितना भी है उसको कवर कर देंगे, कि भाई एक बनना भी होना चाहिए ना। तो बिल्कुल यहाँ पे सारा जितना भी है इसको कवर कर दिया गया, मतलब मैंने कवर कर दिया है बीच में से स्किप कर करके, भाई पहले ही बताया था टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे भाई अपन लोग जो स्मूथ ब्लैक की स्लैब्स है ना, पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन की स्लैब्स है ना, तो उसको भी जल्दी से लगा के एक एक जगह छोड़ के उनको भी सारी लगा दिया जाए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब अपन लोग को चाहिए यहाँ पे गेट, तो गुबंद के बीच में से गेट तोड़ेंगे यहाँ से, सिर्फ भाई गेट बहुत बड़ा नहीं बनाना, बहुत छोटे से गेट बनाने हैं। तो यहाँ पे गेट हो चुका है कवर, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे अपन लोग ब्लैक स्टोन ब्रेक्स दोबारा से, क्योंकि भाई इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, बैरक्स है तो इसको बीच में से ऐसा रखेंगे। अरे अपन लोगों ने एक चीज़ गलत कर दी, इसको तोड़ यहाँ से ऊपर बनाया, यहाँ पे फ्लोर बनेगा, तो यहाँ पे बन गया फ्लोर। और गाइज यहाँ पे पूरा फ्लोर बनने के बाद एक जगह बिल्कुल नीचे छोड़नी है, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग लगाने वाले हैं स्टेयर्स, एक दो तीन और ख़त्म। तो गाइज यहाँ पे स्टेयर्स लगाने के बाद ऊपर ऊपर लोग लगा देंगे यहाँ पे ट्रैप डोर और फेंस, क्योंकि गाइज यहाँ पे बिल्कुल अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे फेंस, और फेंस लगाने के बाद यहाँ पे लगा देंगे लैंटर्न्स। तो जल्दी से गाइज यहाँ पे लगाओ एक फेंस की बॉटल, एक बॉटल टू बॉटल, तारा भाई यहाँ पे पूरा फेंसिंग लगा देगा। एक फेंस यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, उधर वाली साइड पे दो लगेंगे, क्योंकि बीच वाली साइड पे अपन लोगों ने सिमेट्री के हिसाब से बनाया, और यहाँ पे लग गए दो फेंस,
और गाइज यहाँ पे जो एक जगह तोड़ी है यहाँ पे लगाएंगे हम स्क्रूज का ट्रैप डोर, और इसके लगाने के बाद हमारा यहाँ पे भाई गेट वगैरह काम भी खत्म हो गया। स्क्रूज के गेट सब लोगों ने लगा दिए यहाँ पे, ये भी तोड़ते हैं। अरे गलत हो गया, रुको। तो यहाँ पे एक गेट लगा दिया, इसको लेंगे खोल, जल्दी खोल जा बे। तो ऊपर ट्रैप डोर लग गया है, लैंटर्न लग चुकी है और डोर बन चुके हैं, तो जल्दी से अब जाके ना नीचे वाला काम खत्म किया जाए। यहाँ पे लगाएंगे एक लैंटर्न और ये काम खत्म। और अब आ गया अपन लोगों को गेट बनाना है और बैनर। तो गाइज यहाँ पे सर्च मारो तुम बैनर, और यहाँ पे तुमको काफी अलग अलग कलर के बैनर मिल जाएंगे। मेरे को बेसिकली येलो और ऑरेंज लगाने थे, काफी अच्छे लगते हैं। तो अपन लोगों ने यहाँ पे येलो और ऑरेंज कलर के बैनर्स लगा दिए हैं, ये भी लग गया और यहाँ पे येलो लग गया। तो यहाँ पे बैनर्स का काम अपन लोगों का हो चुका है कंप्लीट, जो कि काफी अच्छी बात है क्योंकि बैनर्स लग चुके हैं। और यहाँ पे अपन लोग वॉल्स लगाएंगे, ब्लैक वॉल्स, और यहाँ पे उसके ऊपर लगा देंगे लैंटर्न। और गाइस लैंटर्न लगाने के बाद तो यहाँ पे भाई जितनी हमारे पास वॉल्स है ना उसकी फेंसिंग लगे यहाँ पे बना दी जाएगी। तो जरा देख लेते हैं और क्या क्या काम रह गया है। तो यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे फेंसिंग, अरे ये क्या लगा दिया, वॉल्स की फेंसिंग यहाँ पे पूरी कर देंगे अपन लोग। एक उधर भी लगा के आते हैं, रुको, यहाँ पे भी लग गई। इतना काम हो गया अपन लोग का, और इतना काम खत्म के बाद यहाँ पे पूरी गाइज वॉल की वॉल बना दी जाए ताकि बाहर से भी सुंदर लगे। भाई एक कैसल है तो कैसल में ऐसी चीजें होनी जरूरी है। तो यहाँ पे इतना लग चुका है हमारे पास और काफी हो चुका है। और अब अपन लोगों को चाहिए एक एंट्रेंस, जिसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्प्रूस फेंस और स्प्रूस फेंस गेट्स, क्योंकि भाई यहाँ पे बड़े गेट्स लगाएंगे तो वो तो बनते नहीं है ना। तो अपन लोग यहाँ पे लगाएंगे पहले फेंस, जितना फेंसिंग का काम हो गया, और बीच में लगा देंगे फेंस गेट्स। तो ये लगाने के बाद अब यहाँ पे बारी आएगी हमारे फेंस गेट्स की। कहाँ गए हमारे फेंस गेट्स, ये लग गया, ये लग गया, और ये गाइस काफी एस्थेटिक से लुक देता है हमारे कैसल को। और ये बन गया हमारा पूरे का पूरा काफी अच्छा। अरे ये कहाँ लग गया, बंद, अरे उतर रहा। तो ये लग गया। तो गाइस यहाँ पे गेट्स हो चुके हैं बंद और काफी अच्छा यहाँ पे बन चुका है। तो अब बारी आ रही है इंटीरियर की। तो गाइस मैंने इंटीरियर यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही रंग बिरंगा रखा था, तो वो रख लेना। और यहाँ पे गाइस बाहर पर लोग लगा देंगे ग्रास, मतलब लीव्स या ग्रास, तुम इसको जो भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इतना लगाने के बाद तो हमारे पास और यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे गाइस जितने भी साइड पे ना एक एक जगह छोड़ के, मतलब आउटर वाली साइड पे एक एक जगह छोड़ के तुम ये लगा दो। और ये लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे अपन लोग स्प्रूस के, ये वैसे मैंने ट्रैपडोर स्प्रूस वाले नहीं लगाए थे, दूसरे लगाए थे जो ओक वाले ट्रैपडोर हैं। तो गाइस तुम यहाँ पे स्प्रूस के भी लगा सकते हो जो तुमको अच्छे लगे, मेरे को ये अच्छे लगे तो अपन लोगों ने ये लगाए। और गाइस एक बात याद रखना, जहाँ पे अपन लोगों ने ग्रास लगाई थी उसकी एक एक जगह छोड़ के लगाई थी, तो वहाँ पे एक तुम ब्लैक स्टोन की तुम स्लैब लगा सकते हो। जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने एक एक स्लैब लगा के वहाँ पे जितने भी हैं ट्रैपडोर्स लगा दिए। तो ये यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे एक नीचे स्लैब लगानी बाकी है, आई थिंक मैंने लगा ही दी थी। तो यहाँ पे एक स्लैब लगा दो। तो गाइस जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी है इसको कवर कर दिया जाए। ये लगाने के बाद यहाँ पे जितने भी ट्रैपडोर्स तुम लगा के इसको कंप्लीट कर देना, जो कि काफी अच्छा लगेगा, काफी एस्थेटिक लुक देगा, मतलब इतना हो जाएगा। उसके बाद अपन लोग इंटीरियर तैयार करेंगे। तो गाइस बाहर से काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा बन चुका है। और अब बारी आ रही है गाइस इंटीरियर की। उससे पहले अपन लोग यहाँ पे इसको गुबंद को थोड़ी सी लुक दे दें, थोड़ी अच्छी वाली। तो इतना यहाँ पे तोड़ने के बाद गाइस, जैसे कि हमने बाहर वॉल्स लगाई थी तोड़ के, इसको भी इतना तोड़ने के बाद यहाँ पे वॉल्स लगा दी जाए। और गाइस नोट वन थिंग, अगर तुम कॉबलस्टोन से बनाओगे तो थोड़ा ब्राइट बनेगा यहाँ पे, ये जो कैसल बना थोड़ा डार्क बना है, बट अगर तुम कॉबलस्टोन से बनाओगे तो थोड़ा ब्राइट कैसल बनेगा। तो बहुत मर्जी तुम्हारी है आपको कैसा कैसल बनाना है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है यार, गुबंद भी काफी अच्छा लगने लग पड़ा। तो इतना होने के बाद तो गाइस इतना तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी आती है भाई इंटीरियर की, जो कि जरूरी है। तो यहाँ पे इंटीरियर भाई तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे अपन लोग पहले वॉल निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आयरन। तो आयरन के जो वॉल्स है ना, अपन लोग जो विंडोज कह सकते हैं, उसको यहाँ पे लगा देंगे। एक तो ये हो गया कंप्लीट, इसको भी यहाँ पे तोड़ो, और ये भी हो गया कंप्लीट। अरे रुको भाई ये क्या कर दिया। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, काफी अच्छा हो गया गाइस, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे तोड़ना शुरू करेंगे। भाई इसकी सिमेट्री तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, काफी अच्छा लगेगा अगर तुम अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी के हिसाब से करो। बट जो मैंने किया है वो प्लस के हिसाब से शुरू किया था। तो यहाँ पे अपन लोगों ने प्लस काट के भाई यहाँ पे वाइट ग्लेज टेराकोटा लगाया था। तुम वाइट वूल भी लगा सकते हो, या ब्लैक वूल, अगर तुमको ब्लैक कॉम्बिनेशन रखना है तो ब्लैक लगा सकते हो। मैंने वाइट और रेड टेराकोटा का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा था, जो कि काफी अच्छा लग रहा था मेरे को, काफी ब्राइट लग रहा था। बाकी गाइस आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पे इतना काटने के बाद अपन लोग ने यहाँ पे रेड टेराकोटा लगाना शुरू किया,
जो कि काफी अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं पूरा इंटीरियर बना के दिखाने नहीं वाला, मतलब आइडिया तुम ले लेना कि कैसा बना है, उसके बाद तुम उसको वैसा बना सकते हो अगर तुमको मेरा कॉपी करना है। और गाइस अगर वीडियो पे, चलो मैं मानता हूँ 50 लाइक भी अगर वीडियो पे हो जाते हैं तो भाई अगला जो एपिसोड आएगा वो बिल्कुल कल आएगा अगर इसके ऊपर, मतलब 50 लाइक होने के बाद। वैसे तो मैं डालने ही वाला हूँ, बट एक बड़ा कैसल की ऑप्शन आएगी, अपन लोग बड़ा कैसल बनाएंगे तो ये इंटीरियर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो तुम आइडिया ले सकते हो अगर ऐसा है, बट अगर हमारी इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते, मतलब यार ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट आई डोंट नो कंप्लीट होगा कि नहीं, अगर हमारी इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ जाते तो भाई अपन लोग एक बड़ा मॉडर्न हाउस बनाएंगे और उसका बिल्कुल लाइव पे रखेंगे, तो देख लेना। तो यहाँ पे अपन लोग जो अंदर वाली बैरक है, जो नीचे वाली बैरक है, उसके अंदर यहाँ पे लाइब्रेरी बना देंगे। ऊपर यहाँ पे बुक शेल्फ्स लगाने के बाद, सारी बुक शेल्फ्स लगाओ और उसके बाद ऊपर वाली साइड पे लैंटर्न्स लगा देना, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी एस्थेटिक से लुक लगती है यार। तो हमारी लैंटर्न कहाँ गई, 1, 2, 3 और 4, तो इतना हो गया। और अब भाई अपन लोग सोच तो रहे हैं कि एक मॉडर्न हाउस भी बनाया जाए, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे भी वाइट टेराकोटा का काम कंप्लीट किया जाए। रुको तोड़ो इसको, टूट जा, वाइट ग्लेस टेराकोटा काफ़ी अच्छी लुक है यार इसकी, मतलब पूरा एक टाइल्स वाली लुक देती है जो घर में आप लगाते हैं। और यहाँ पे रेड ग्लेस टेराकोटा, इसको भी यहाँ पे कंप्लीट किया जाए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे इतना काम तो कंप्लीट हो चुका है, हमारी लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है बनके, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ से अपन लोग ऊपर चलते हैं, भाई यहाँ पे बेड वगैरह भी लगाने हैं तो वो बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे बैरल्स लगाई जाएं। भाई ये बाहर वाली साइड पे अपन लोग बैरल्स लगा देंगे, थोड़ी एस्थेटिक सी और थोड़ी सी हम कह सकते हैं रफ से लुक भी देगा। तोड़ भाई इसको यहाँ पे लगाओ। तो ये लगाने के बाद भाई एक साइड पे अपन लोग लगाएंगे आर्मर स्टैंड्स, और यहाँ पे एक साइड पे गोल्ड का आर्मर टांगेंगे और एक साइड पे डायमंड का, जो कि काफी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अपन लोग लगा देंगे डायमंड वाला आर्मर। भाई मतलब कैसल है तो आर्मर तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इतना काम हो जाएगा, हमारा आर्मर हो चुका है बनके सेट, लग गया। तो यहाँ पे आर्मर पूरा लग चुका है। और यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे भाई एक लाइब्रेरी टाइप, जहाँ पे फोटोशॉप मतलब हमारी फोटोज वगैरह लगाएंगे, भाई थोड़ा एंटीक सा भी लगना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग एक साइड पे लगा देंगे हमारा आर्मर, दूसरी साइड पे देखते हैं क्या लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पे अपन लोग ने फोटो फ्रेम्स के अंदर ही फोटो फ्रेम लगा दिए, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे लगाए लैंटर्न्स, तो काफी अच्छी लग रही है जगह। और ये वाली साइड पे भी अपन लोग लैंटर्न्स लगाना भूल गए, तो दो लैंटर्न्स यहाँ पे भी लगाएंगे, 1, 2। और यहाँ पे लैंटर्न्स का काम भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे टेबल्स, रुको, म्यूजिक के लिए अपन लोग यहाँ पे वो लगा लेंगे, और म्यूजिक डिस्क तो वैसे यहाँ पे लगेगी नहीं, रुको इसको तोड़ के यहाँ पे म्यूजिक डिस्क लगा देते हैं, जो कि अच्छी लग रही है। और यहाँ पे इतना होने के बाद यहाँ पे अपन लोग थोड़ी सी वो जो इंचेंटिंग टेबल्स हैं वो भी लगाएंगे, कैटोग्राफी की टेबल तो यहाँ पे लगा दी है, तो यहाँ पे इंचेंटिंग टेबल 2 लगा देंगे जो कि काफी अच्छी लग रही है। और उसके बाद कैटोग्राफिक टेबल 2 यहाँ पे लगा देंगे, और ऊपर की तरफ लगा देंगे अपन लोग लैंटर्न्स। और यहाँ पे लुक काफी एस्थेटिक आ चुकी है। और गाइज ऊपर वाले बैरक में, मतलब अब यार वीडियो जल्दी ही खत्म करनी है, तो ऊपर वाले बैरक में गाइज अपन लोग बेड्स लगा देंगे, मैंने ब्लैक कलर के बेड्स रखे क्योंकि मेरे को ब्लैक पसंद है। तो गाइज तुम जैसे मर्जी ब्लैक लग सकते हो। और यहाँ पे अपन लोग ने लगा दी है लाइट रॉड्स, जो कि अच्छा हो गया। और यार बाहर वाली साइड पे समझ नहीं मेरे को आ रहा था कि क्या लगाया जाए, तो अपन लोग ने यहाँ पे एक सोफा टाइप बना दिए। तो पहले नीचे गाइज जहाँ पे अपन लोग ने ये लगाया था कि रात को भी भाई पूरी लुक चमक के आनी चाहिए, तो अपन लोग यहाँ पे हमारी ग्रास के नीचे ग्लो स्टोन लगा देंगे। तो यहाँ पे ग्लो स्टोन लगाने के बाद ग्रास से उसको नीचे से कर देंगे कवर। पहले तो अपन लोग को ग्रास से लगा के फिर ही ग्रास लगानी चाहिए थी, बट मैं भूल गया तो अपन लोग लगा नहीं पाए, तो जल्दी से इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइज अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो लाइक जरूर कर देना यार, अगर आपको मतलब ये कैसल पसंद आ रहा है, काफी छोटा है बट अच्छा है। तो यहाँ पे अपन लोग जंगल स्लैब्स लगाने के बाद, इसको पूरा कवर करने के बाद, अरे लुको ग्लो स्टोन नहीं लगाना, यहाँ पे अपन लोग को आयरन ट्रैप डोर्स लगाने, एक सोफ मतलब यार एक हम कह सकते हैं टेबल टाइप लुक देता है बट काफी अच्छा लगता है। तो जल्दी से इधर वाली साइड पे भी लगा देते हैं जंगल स्लैब्स, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम आयरन ट्रैप डोर। तो दो साइड पे यहाँ पे लगा दिए हैं, तो उधर वाली साइड पे भी 2 यहाँ पे लगाने चाहिए, तो जल्दी से वहां पे करते हैं उसको कवर। तो गाइज अपन लोगों ने हर एक साइड पे सेम लगा दिए हैं, और यहाँ पे तुम्हारे भाई का महल कैसल बनके तैयार हो चुका है। तो गाइज अगर तुमको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मतलब कर देना यार, मेहनत लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।